पुलिस के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे। आपको बता दें ब्रेकिंग न्यूज, यमुनानगर गांव भाटू वाला में सरपंच की दबंगई देखने को मिली है। यमुनानगर से ये बड़ी और अहम खबर, दो भाइयों की बेरहमी से तो घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। शव को कब्जे में लेकर जांच की पुलिस जुट चुकी है, ये बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। यमुनानगर से गांव भाटू वाला में सरपंच की दबंगई देखने को मिली है, दो भाइयों की बेरहमी से पिटाई की गई है, शव को कब्जे में लेकर अब पुलिस भी जांच में जुट चुकी है। घायल को इलाज के लेकर जाया गया था लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, और अब शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरियाणा न्यूज संवाददाता हरीश कोहली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरीश, जानना चाहेंगे क्या कुछ है पूरा मामला और ये जो विवाद हुआ, पिटाई की गई, किसको लेकर? जी, ये बिलासपुर के गांव भाटूवाला का मामला है, जहां पर जो है पिछले दिनों यहां पर जो पंचायतों के इलेक्शन हुए थे, इस वजह से यहां पर जो है विदेशी सरपंच जो होता है अपने कुछ साथियों के साथ जो है अब रणदीप वाला हुआ था, मोहन सिंह नामक व्यक्ति के खिलाफ, जिसने कल शाम को जो है अपने कुछ साथियों के साथ जो है मोहन सिंह और उसके भाई के ऊपर हमला कर दिया और उसकी जमकर पिटाई की। जब मोहन सिंह व्यक्ति को घायल हो गया, उसको एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां पर निजी वहां पे इलाज के चलते उसने दम तोड़ दिया है। फिलहाल जो है पुलिस ने मृतक के जो परिजनों के आधार के बयानों के आधार के ऊपर सरपंच अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है और जांच में जुट गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।